प्रभातम सब ठीक है ना एकदम ठीक। सभी हमारे तारक पुजारी है दुबे जी सीता सभी को निवारण जी ओसिनी जी और मेरे माता पिता बहन मेरे सभी को नमस्कार। मेरा तो केरी की ओर से साइड में इसे झुकना है पीछे की ओर देखने का प्रयास करें थोड़ा सा अगर रुकना है ये धीरे धीरे से इसको ऐसे 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 समय के अनुसार 10-20 बार फिर एक बार सांस अंदर भरते हुए देखना है सीधा करके ऐसे थोड़ा सा रुकना है लेफ्ट टू राइट ये ऐसे क्रॉसिंग करना है लेफ्ट है नहीं तो राइट लेग को बदलना है राइट लेग एक तो ऊपर देखना है हाथ को देख रहे आप थोड़ा सा रुकना है ऐसे और एक बार
दोनों हाथ ऊपर, धीरे से आगे, दोनों पैर को पकड़ लीजिए, इसी जितना झुक सकता है झुके, जो कमर दर्द वाला आगे ना झुके, ध्यान दे, बस इतना ही करना है आपको। जो कमर, जो कमर दर्द नहीं है, ऐसे करके पूरा जल लगाने का प्रयास करिए, जितना लगा सके इतना, धीरे से बस इतना ही करिए। आप थोड़ा सा रुके, धीरे से वापस, धीरे धीरे करना है। और एक बार धीरे धीरे से ऐसे रखिए, ऐसे सावधान स्थिति में, कितना पीछे झुक सके आप, कितना आराम आराम से, आराम आराम से धीरे से वापस। और एक बार बैठने के बाद, और एक बार ऐसे ये करके ऐसे झुक जाइए, बोलना है लेट में लो, पूरा लेट जा जाना है ये। इसके बाद दो दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके सीधा ऐसे, सांस को धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है। हमेशा जो भी आसन प्राणायाम करे, आप कमर, रीढ़ का हड्डी कहते हैं, बैकबोन को हमेशा सीधा ही रखने का प्रयास करना है। इससे हमारा जो भी योगा प्राणायाम आसन करे से बहुत ही लाभ मिलता है इसे। इसके बाद आप ऐसे करिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे आगे झुक जाना है माता। अब जहाँ भी आप कारपेट है, जो भी इधर पूरा जमीन पे टिका के थोड़ा सा रुकना है इसे। धीरे से वापस पीछे थोड़ा सा झुकी, इसके बाद फिर और एक बार पूरा इसे माथा जमीन पर टिक जाए इसे। धीरे से वापस ऐसे पेज को खोल लीजिए, वज्रासन करना है हमें इसे। यदि आपका कमर दर्द के लिए इंडाइजेशन है, बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पेज एक पेड़ से बोल दीजिए, एक पेड़ सीधा रहेगा। ये लेफ्ट लेग अगर ऊपर है तो राइट हैंड ऐसे करके लेके आना, लेफ्ट होने से राइट को ऐसे थोड़ा ऐसे थैलिए, और तेलो और पूरा थैलिए और पूरा तेलो। इसके बाद यहाँ पकड़ने की कोशिश करो यार, हाँ ऐसा जो पकड़ नहीं पाए कुछ नहीं, कोशिश कर लीजिए, हाँ ऐसे। और पीछे देखना है और थोड़ा सा रुक जाना है। इसे आपका पेट का, कमर का, पूरा शरीर सर्विसिंग होने लगता है। नेक्स्ट दूसरा पैर से ऐसे ही इसे पूरा करते रहिए, धीरे 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 तेरो और ऐसे तेरो ऐसे तेरो ऐसे ऐसे पकड़ दीजिए आराम से। हाँ
जो नहीं कर पाता एक ही कर लो, जबरदस्ती भी नहीं करना है। ऐसे हाँ ऐसे ये आपका बहुत लाभदायक है, ऐसे हमेशा इसको याद रखना है। ये पैर मुड़ना है तो दूसरा पैर ही क्रॉसिंग करना है, जैसे आप कपड़ा को पानी में भिजाने के बाद पूरा इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से ही करना है। लेफ्ट होने से राइट का ऊपर, राइट होने से लेफ्ट का ऊपर, ऐसे और एक बार दूसरा साइड से भी। इसके बाद स्किन को ग्रो करने के लिए, शाइनिंग करने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए जगह एक बार से ऊपर धीरे धीरे आगे देखने और जितना देर सीखिए घुटने में लगाने बच्चा जितना कर सकता है धीरे धीरे। ये पीछे से अपना नाश किसने लगता है, ये किसना सही है, इसमें आपका स्किन के लिए हमारा शरीर के लिए अच्छा रहता है। और एक बार धीरे से वापस आइए और एक बार धीरे से नीचे आइए, कमर दर्द वाला आगे ज़्यादा ना झुके, बस इतना ही करना है इसको। और जिस को जवाल है कमर दर्द नहीं है साइड साइड से भी ऐसे, उसके बाद ऐसे एक दो तीन चार पाँच, फिर दूसरा अपने वाइस तेजी को उल्टा कर दीजिए, एक दो तीन चार पाँच, फिर दोनों हाथ के से लॉक करके साइड चीजें सुलझर पेंस स्पॉन्जिलाइटिस जितना भी आपका ये गर्दन का समस्या, सुलझर का समस्या, बेकबोन का समस्या, ये सब को ठीक करता है। इसे रोज संकट लेना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने लिए करना ही है, समाज के लिए भी करना है। इसके बाद अभी लेट के करना है, चार पांच छह सात आठ नौ दस। इसके बाद दोनों पैर पे से मुड़ लीजिए, से मुड़ दिया ना सेतु बंधासन, ये दोनों हाथ को पैर से पकड़ना है, ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे थोड़ा सा टिक टाक कर लो, ठीक से पकड़ लिया हाँ। इसके बाद ये पेट को ऊपर उतारना है, कमर कैसे उतारे से ऐसे थोड़ा सा रुक लीजिए, इसे आपका कमर के लिए, पेट के लिए, बैकबोन के लिए, डाइजेशन के लिए लाभ है। देख रही थोड़ा सा रुकिए, फिर धीरे से आना है, फिर धीरे से वापस। और एक बार सांस भरते हुए ऊपर उतरिए इसे, फिर पैर को फैला लीजिए आराम से। इसके बाद पवन मुक्तासन, ये पेट का गैस को ठीक करते हैं, इसे एक एक पैर पे ऐसे मुड़के लॉक करके पेट पे ऐसे दबाइए, और माता नाक आपको यहाँ लगाने की कोशिश करना है, ऐसे ये पेट का गैस एसिडिटी इनडाइजेशन को ठीक करता है। इसे पवन मुक्तासन, पवन आपका पेट का गैस को मुक्त करता है, ऐसे करके नहीं पोस पाने से भी सिर्फ बस ऐसा दबा देना है,
ये दबाने से हमारे एक्यूप्रेशर हो जाता है पेट का, फिर दोनों पैर के एक साथ लॉक कर दीजिए, हाथ पीछे पूरा ऐसे दबा दीजिए, जितना आप दबा सकता है, आप जैसा संता है इसी हिसाब से। इसके बाद माता भी उतारे ऐसे ऐसे थोड़ा सा रुकिए, गैस को निकल दे दो, गैस का जो पैसे मिला के ऐसे उतार दीजिए, दोनों पैर पैसे कमर सीधा रहेगा, माता जमीन पर टिका हुआ रहेगा, सिर्फ पैर पे उतारे ऐसे दोनों पैर के एक साथ ऐसे। धीरे से वापस लेके आना है और एक बार दोनों पैर के एक साथ ऐसे धीरे से लेके आइए और हाथ को भी ऐसे लेके आना है, ऐसे लोकासन ऐसे करके थोड़ा सा रुकिए, पेट पे दबाव दे दो, पेट में खिसाता नहीं हो रहा है, इसे थोड़ा सा रुक जैसे ऐसे। वाह अच्छा लग रहा है ना, बचपन का ही याद दिलाता हूँ एक बार, बचपन कितना मस्त था, मस्ती के झूमते हुए खेलता था, आज ये बचपना हम भूल गया है, इस बचपन को याद करने के लिए आप दोनों पैर पैसे ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को थोड़ा सा ऐसे उठाइए, माता को भी थोड़ा सा ऐसे उठाइए, इसके बाद बचपन याद करो ऐसे करके हंस के देखो तो सवासन, रिलैक्स, शरीर को भी रिलैक्स करना है, शरीर को फ्री छोड़ दो, कोई क्रिया नहीं, कोई एक्शन लेना है, धीरे से छोड़ना है, पूरा एकदम फ्री, एकदम छोड़ देना है शरीर को, जैसे आप भगवान का पास सोल बसा है, शरीर को एकदम रिलैक्स, शवासन, जैसे आप नींद के निद्रा में सो गया है, आप बिल्कुल शरीर को कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, जैसे आप पूरा निद्रा में चला गया है, पूरा शरीर को रिलैक्स करिए, इस शवासन में आप हाई प्रेशर जितना भी आप शरीर का समस्या है वो ठीक होने लगता है, इसलिए रिलैक्स आदमी को क्यों कहा जाता है, रिलैक्स रहने दो, फ्री रहने दो, ये मेंटेलिटी के लिए, हाई प्रेशर के लिए, शरीर को इनबैलेंस के लिए, इनबैलेंस को बैलेंस में लेके आने के लिए शवासन किया जाता है। ऐसे उतारा, दोनों पैर को सीधा करके ऐसे उतारिए, उतारा और एक बार डाउन हो जाइए, फिर एक बार कोशिश करो ऐसे हंसता नहीं है, बाद में हंसाऊंगा, थोड़ा रुका के रहिए और एक बार ऐसे, फिर दोनों हाथ आगे ऐसे भुजंगासन ऐसे ऐसे, ये कमर दर्द के लिए भी एसिडिटी इनडाइजेशन पूरा पेट कमर के लिए अच्छा है, ऐसे पेट से दौड़ ऐसे और एक बार पूरा भी नहीं उठना है,
डाउन भी नहीं होना है 60 डिग्री में से। और एक बार इसके बाद दोनों पैर भी ऐसे पकड़ लीजिए। अभी बाहर का एक्सरसाइज तो हो गया है, हमने बहुत कुछ किया, अंदर का सिस्टम को थोड़ा ठीक करेगा। हमको चलाने वाला जिस प्रकार से गाड़ी में इंजिन होता है, हम सब का भी चलाने वाला अंदर में लांग्स, लिवर, किडनी, गोल ब्लैडर सिस्टम को थोड़ा ठीक करना है। इसे कपाल बाकी तीस तीस बार करके उसे पांच बार करना है। इसे कमर सीधा, ध्यान मुद्रा में ऐसे दोनों हाथ ऐसे करके आके बंद ध्यान से करना है। कपाल बात की हमारा पूरा शरीर को रीजेनरेट करता है, हमारे शरीर का शिशु। आप कपाल बाती करते समय आपका विचार आना चाहिए, आपका भाव मेरा शरीर से रोग निकल रहा है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, हम हेल्दी हो रहा हूँ। आप गर्म करते समय पूरा इसी प्रकार से आप ध्यान लगा भी करना है। ये आपका कपाल भाति वो भी अनुलोम विलोम करना है, ऐसे जो जो एक हाथ आगे एक नाक से ऑक्सीजन छोड़ना है, ऐसे लेना है फिर जहाँ ये छोड़ा उधर से लेना है फिर छोड़ना है, ऐसे करके ये अनुलोम विलोम हमारे नर्व सिस्टम को, हमारा ब्रेन के लिए, इपिलेप्सी के लिए, डिप्रेशन के लिए, याददाश्त के लिए, हम कभी याद करने भूल जाते हो, जल्दी गुस्सा करते हो, कभी मेरा मुर्गी का दौरा करना हो, हाई प्रेशर हो, ये सब को ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना, मतलब तो सिस्टम को हमारा ब्रेन से लेकर नर्व सिस्टम को हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर बैलेंस करता है। ये सबसे इतना कारगर एक प्राणायाम है। आप कभी भी घर लग रहा है, आलस्य हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, तो एक बार नींद नहीं आ रहा है, आपका ब्रेन का समस्या कुछ हो रहा है, डिप्रेशन इपिलेप्सी हो रहा है, तो आप बार ऐसे ध्वनि पोलो को, रंग प्रांग को, अमित मताई को आप याद करके एक बार करके देखिए, आपका शरीर एनर्जी एकदम जनरेट हो जाता है, आपका ब्रेन काम करना शुरू हो जाएगा। भ्रामरी, भ्रामरी हमारा शरीर का ये ब्रेन को, नर्व सिस्टम को, हमारा ये कंप्यूटर को वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन करने से हमारा जिस प्रकार से सार्स हो जाता है, जिस प्रकार से हमारा ब्रेन सार्स होने लगता है, तीन बार इसे
जबर शिरा आगे बन धीरे सी सांस लेना धीरे सी सांस ये संकल्प संकल्प लेना है कुछ स्वयं की युवा करे मुझे कोई कराए ऐसा संकल्प लेना है साथ में आपका आदेश पालन किया जाएगा।